सुबुद्धि आपके अंदर होती है, और सुबुद्धि से जब आप किसी चीज में अपनी स्वतंत्रता में किसी चीज को आप खोजते हैं, जब आप स्वतंत्रता में इसको खोजते हैं, तब बुद्धि होने पर आप बराबर बीचों बीच मार्ग में रहते हैं, जिसे कि हम सुषुम्ना का पथ कहते हैं, जिसे पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का मैनिफेस्टेशन होता है। अब जो लोग इस सुबुद्धि से अपरिचित हैं, या जिन्होंने उसको तिलांजलि दे दी, इस विजडम से पार हो गए, वो एक तो राइट हैंड साइड की तरफ बहुत जाते हैं या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बहुत जाते हैं। अब इस लेफ्ट हैंड की ओर हमारा अतीत है, हमारा अतीत, हमारा पास्ट लेफ्ट हैंड की तरफ में। जो कुछ हमने आज तक किया है वो सब हमारे लेफ्ट में है, हमारी ईड़ा नाड़ी में पूरा की पूरा स्थित है। इसी से जो संस्था बनती है, जिसे कि हम मन कहते हैं या सुपर ईगो कहते हैं। आपने बहुत बार सुना हो, लोग कहेंगे मेरा मन नहीं चाहता ना, ये मन है क्या? ये मन आप नहीं है, ये मन है। लोग कहते हैं मेरा मन नहीं चाहता है करने को, ये आपके बचपन से बैठे हुए संस्कार, बचपन से बैठे हुए दिमागी जमा खर्च, और पूर्व जन्म के भी बैठे हुए जितने भी आपके अनुभव हैं, सारे ही आपके लेफ्ट साइड में बैठे हो, अच्छे बुरे सब तरह के आपके लेफ्ट हैंड साइड में बैठे, और आपके राइट हैंड साइड में आपका भविष्य है। राइट हैंड साइड में आप जो सोचते हैं आगे का, ये करने का है, प्लानिंग करने का है, ऐसा करने का है, वहां जाने का है, इसे मिलने का है, ये सारा कुछ आपके राइट हैंड साइड में होता है। उसी प्रकार हमारे शरीर की चिंता करना कि हमारा शरीर कैसा ठीक रहेगा, और इस शरीर में ये तकलीफ है, और किसी आने वाले मृत्यु से डरना, आदि सब राइट हैंड साइड में हो जाता है। पर सुषुम्ना जो बीच का स्थान है वो है आपका प्रेजेंट, माने वर्तमान, प्रेजेंट। अब मैं आपसे कहूं कि आप इस वक्त रुक जाएं, इसी वक्त यहां पर आप रुक जाएं, तो हो नहीं सकता। रियलाइज सोल्स को होगा, बाकी नहीं रुक सकते, क्योंकि एक विचार है फिर वो खत्म हो जाता है। आप उसका उठना देखते हैं, उसका गिरना नहीं देख सकते, दूसरा विचार उठता है वो भी गिर जाता है। इन दोनों के बीच में जो जगह है वो विलंब है, वही प्रेजेंट है। जो उठा विचार और गिर गया वो तो अतीत में चला गया, वो तो पास्ट में चला गया, और जो विचार आने वाला है वो सामने के लिए बना हुआ है, वो आपके भविष्य में फ्यूचर में चला गया। लेकिन जो इसके बीच में थोड़ी सी जगह होती है जिसे विलंब कहते हैं, वो जगह वहीं प्रेजेंट है, और वो हर इंसान में इतनी छोटी सी होती है कि इंसान ज़्यादातर एक विचार के खोपड़ी पे आए नहीं कि दूसरे पे कूदा, तीसरे पे कूदा, चौथे पे कूदा, बस हर समय कूदते ही रहता है, इसलिए वो अंदर उतर नहीं पाता है। और यही चीज़ जब कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है तो ये दोनों ही मन और अहंकार को ऐसे नीचे निचोड़ लेती है कि ये दोनों ही चीज़ें एकदम से जैसे कोई गुब्बारे में से हवा निकल जाए ऐसे सिकुड़ जाती हैं, और उसके कारण हमारा विलंब स्थापित होता है, इसलिए हम निर्विचार हो सकते हैं। कल जो लोग यहाँ पर पार हुए हैं, जिनके हाथ से ठंडी ठंडी हवा आने लग गई थी, वो निर्विचार हो गए। लेकिन हम लोग इस निर्विचारिता में रुक नहीं पाते, क्योंकि हमारी आदतें पहले से लगी हुई हैं, हमारे तौर तरीके पुराने सालों के चल रहे हैं, उससे हम अपने को छोड़ नहीं पाते। नई दुनिया में आकर के भी हम अपनी पुरानी दुनिया से अब भी पूरी तरह से रिश्ता नहीं तोड़ पाते हैं। हालांकि रिश्ता टूट गया है लेकिन दिमाग में अभी बैठा है। जैसे कि समझ लीजिए एक आदमी शहर में रहने वाला है, और वो जब गांव में जाता है तो जैसे शहर में मोटर चलाता है वैसे ही गाँव में चलाने लगता है। फिर उसे बताया जाता, बाबा यहाँ का रास्ता खराब है, इस तरह से मोटर मत चलाओ, यहाँ तो सत्यानाश हो जाए, तुमको तो खूब गोल घुमा के चलाना पड़ेगा। तो भी वो भूल जाता है, उसकी आदत पड़ी हुई है दिमाग की। इसीलिए दिमागी जो आते हैं वो आप पे काम करती है। इसलिए मैंने आपसे कल कहा था कि जब आप पार भी हो गए तो भी आपको चाहिए कि आप सहयोग के लिए जरूर थोड़ा सा टाइम निकालें, जिससे आपकी निर्विचारिता स्थापित हो जाए। पहले तो विलंब का स्थापन करना होता है। अब जब यह आपका विलंब स्थापित होता है, यही वो जगह है
जहां से परमात्मा का साम्राज्य शुरू होता है। जैसे कि आप सोचिए कि चक्की का मुंह है, चक्की के मुंह में जब तक आप दाना नहीं देंगे वो पिसके नहीं निकलने वाला, ऊपर में आप डालिएगा इधर उधर फैल जाएगा। इसी तरह निर्विचारिता समझ लीजिए परमात्मा के साम्राज्य का मुख है, उसमें आप डाल दीजिए तो सारा ही कार्य हो करके उसका जैसा प्रोसेसिंग हो करके आपको तैयार काम मिलेगा। यानी इतनी प्रचंड शक्ति है परमात्मा की। क्या आपको कोई प्रश्न है? अभी यहाँ पर एक साहब आए हुए हैं, वो मॉरिशस के रहने वाले हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और उन्होंने डॉक्टरेट की, बहुत सालों से मेहनत करते रहे, उनकी डॉक्टरेट किसी तरह से पास नहीं कर रहे थे और विषय उन्होंने बड़ा सुंदर लिया था कि शराब का क्या असर होता है हमारे ऊपर। उसमें सहयोग के दृष्टि से भी बहुत विचार विनिमय हुआ, लेकिन उनका माँ मैं तो हार गया इन लोगों से, ये तो मेरा देखते भी नहीं। मैंने कहा अच्छा तुम्हारा थीसिस तुम लेके आ जाओ। तो लेके आए, मैंने उसे पढ़ा वढ़ा कुछ नहीं, मैंने कहा भाई अभी इसका तो टाइम नहीं है, बस मैंने उसे उठा करके और उस चक्की के मुंह में दे दिया। और आपको आश्चर्य होगा दूसरे दिन वो डॉक्टर हो गए, दूसरे ही दिन, एक शब्द भी इसमें से झूठा नहीं। उस चक्की के मुंह में डालने का एक प्रयास शुरू हो जाना चाहिए, करते करते वही फिर आदत हो जाती, फिर हम कहते हैं अच्छा भगवान पे छोड़ दो। आप कितना भी कार्य कर लीजिए लेकिन अगर वो परमात्मा पे छोड़ा नहीं है तो उसका फल पता नहीं कहां से जाके क्या निकला है। जब आप विचारों के चक्करों में घूमते हैं तब आप कार्यान्वित रहते हैं। अब इसी वजह से मनुष्य ने जब अपनी स्वतंत्रता पाली तो उसने दो काम शुरू किए। शुरू शुरू में तो उसने ये कहना शुरू कर दिया कि ये नहीं करो वो नहीं करो, यहाँ नहीं जाओ वहाँ नहीं जाओ, खासकर वेस्टर्न देशों में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन करो, अगर सवेरे जाना है तो ग्रे रंग का सूट पहनो, रात को जाना तो काले रंग का पहनो, शराब पीना है तो इस बोतल से पियो, फलाने का एक उसका एक अलग से एक ग्लास लाओ, उसके ऐसे काटे चम्मच रखो, इसके साथ में ये कपड़ा पहनना चाहिए, मार खोपड़ी खा ली अपनी, उसका कोई अंत है? पागल जैसे लग गए। हर एक चीज का उन्होंने ऐसा तरीका बनाया कि आदमी पगला जाए, खाना ना खाना हुआ एक आफत हो गई। चीज है तो उसके लिए प्लेटर अलग लाओ, फलाने के लिए अलग लाओ। अपने देश में भी ऐसे रिचुअलिज्म बहुत हो गए। यानी परमात्मा की प्रार्थना करना, परमात्मा को अपने को समर्पित करना, ये छोड़ के उसके दुनिया भर के रिचुअलिज्म हमने निकाले और उसमें इतनी बेवकूफियां हमारे देश में भी हमने की है कि जिसकी कोई हद नहीं। उसका उदाहरण एक बताऊं कि जैसे कि संकष्टी होती है अपने आप, जिस दिन श्री गणेश जी का जन्म हुआ है उस दिन उपवास करना। अब ये बताइए आपके घर अगर बच्चा होगा तो उस दिन क्या आप उपवास करेंगे, सुतक रखेंगे? एक सीधा हिसाब बताइए, एक रीजनिंग लगाना चाहिए ना, आदमी को सोचना चाहिए क्या हम इस तरह से करेंगे। हमारे घर अगर बच्चा हुआ तो भाई हम शोर करेंगे उस दिन, ढोल बजाएंगे, लोगों को पेड़े खिलाएंगे, खूब मौज करेंगे, मेजबानी करेंगे, और श्री गणेश जब पैदा हुए तो उस दिन जा करके आप उपास करें। ये इस तरह की अजीब अजीब चीजें। फिर ये कि मंदिरों में जाना, फिर मंदिर में ब्राह्मण बैठे हुए हैं बड़े 420 है पक्के, मालूम है इनका कोई चरित्र नहीं कुछ नहीं, जाके उनके सामने उनके पैर छूना, आपके पैर के धूल के बराबर भी नहीं है पर वहां बैठे हैं मंदिर में तो उनके पैर छूना। फिर वो तीला लगाना और सवेरे 4 बजे उठ करके सबको परेशान करना, चीखना चिल्लाना, धर्म के नाम पे हर तरह की परेशानी डालना। हर एक धर्म में, कौन सा धर्म ऐसा नहीं जिसमें तमाशे नहीं किए? जैन धर्म लो तो भगवान ने बचा रखे, जैन धर्म में जो जो तमाशे इन्होंने किए हैं भगवान ही बचा रखे। एक बड़े भारी जैनी मुनि मेरे पास आए, मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग, कि उसके चमर के हिलाने के पैसे दो और उसके पीछे में वो मूर्ति के पीछे में खड़े होने के पैसे दो, उसके पैसे दो, उसके पैसे दो, ये कोई तरीका है? जैसे वो शादी होती है बारात में दूल्हा आता है तो उसके घोड़े के पैसे दो, उसके गाड़ी के पैसे दो, ऐसे भगवान के सब चीज के आप पैसे देते बैठे हुए हो? इस तरह की अजीब सजीब चीजें हमारे धर्म के नाम में बन गई। क्रिश्चियन धर्म में तो और भी सत्यानाश, कुछ पूछे ही नहीं। पहले आपको मालूम होगा कि पोप साहब ने वो निकाले थे परवाने, ये लो वो लो और परवाने करो, अभी भी वही चला हर एक चीज में पैसा, जहां जाइए वहां पैसा लेना और इस तरह की चीजें करना। फिर आप जानते हैं नंस बनाना, फिर उनके बाल कटवाना, फिर उनको हर तरह से उनके शरीर को तकलीफ देना, ये किसने बताया?
अपने आप ही बहुत है। कोई वो हो गए सन्यासी नहीं हो गए, कोई सन्यासी हो गए तो एक पैर से खड़े हुए हैं, कोई सर के बल खड़े हुए हैं, ये कोई परमात्मा को खुश करने का तरीका है? आप ही बताइए। अगर आपका बेटा आपके सामने ऐसा करे तो आप तो मर जाइएगा परेशानी से कि क्या पगला गए कि हुआ था इनको, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसने बताया आपको कि आप अपने को इतनी तकलीफ दीजिए, इतने परेशानी में डालिए रात दिन? यहाँ मुसलमानों में पकड़ के कोड़े मारो, चिल्लाओ, चीखो, ये किसने बताया? इस तरह के तमाशे रिलीजन के नाम में न जाने कितने अंतशंत बातें हो गई जिसकी कोई हद नहीं। तो उसका रिएक्शन हो गया, जब बेवकूफी हद तक पहुंच गई तो उसका रिएक्शन हो गया। साइकोलॉजिस्ट आए, वो अपने बड़े अकलमंद समझते हैं, हमारे मराठी में कहते हैं उंटावर से शाणे। उन्होंने समझाना शुरू कर दिया कि साहब ये तो ठीक नहीं है, आप कंडीशनिंग कर रहे हो, अपना सब व्यक्तित्व ही खत्म कर दे रहे हो, ये नहीं करो वो नहीं करो, तुम्हारा लिबरेशन कैसा होगा, तुम सब इनहिबिटेड हो, तुम्हारे अंदर ये हालत खराब है वो हालत खराब। चलो साहब अब ये सवारी कर चुके, अब दूसरी सवारी शुरू हुई, अब दूसरी सवारी पे लग गए। एक तरफ से तो इन्होंने ऐसा विकृत मन तैयार कर लिया, धर्म के नाम पे, डिसिप्लिन के नाम पे, दुनिया भर की चीजें कर करके, और लोगों में इतनी विकृति आ गई, बिल्कुल जिसको कहते हैं अनैसर्गिक, कृत्रिम, बिल्कुल आर्टिफिशियल चीजें आ गई। और दूसरी साइड में इन्होंने जो शुरू कर दिया कि साहब कुछ नहीं, किसी परवाह नहीं, भगवान नाम की चीज नहीं है, कोई नहीं, हमको कोई मतलब नहीं। 12 साल का बच्चा होगा तो माँ बाप से कोई मतलब नहीं, माँ बाप भी छोटा बच्चा पैदा हो गया उसको दूसरे कमरे में डाल देंगे। और तेज फ्री हो गई, आदमी फ्री हो गया, भाई फ्री क्या हो रहे हो, किससे हो रहे हो आप? एक शरीर के अंग प्रत्यंग है, आप फ्री कैसे होंगे? जैसे मेरी उंगली इसमें से छटक के कह दे कि मैं फ्री हो गई, तो इसका क्या अर्थ निकलता है ऐसे उंगली का जो मरी हुई उंगली है? फ्री तो आप तब होंगे जब उसको जानिएगा जिसके अंदर आप बसे हुए, उस